Eliza. So you know what? ये मेरे पापा का रूम था. What a man. Totally independent. Totally. That's why it was surprising. जब उनका कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब अकेले नहीं रहना चाहता. Without a second thought, मैंने पापा को अपने पास बुला लिया. लेकिन मैंने नोटिस किया कि पिछले 7 सालों में पापा ने कभी भी कोई भी महंगी चीज यूज ही नहीं की और हमेशा कहते थे कि हर चीज पर संभल संभल के खर्च करो. पापा के जाने के बाद मुझे उनकी वसीयत मिली. तब मुझे लगने लगा कि पापा शायद मेरे पास किसी मजबूरी में आए थे. वसीयत में मां के कुछ कहने, सेविंग अकाउंट्स में थोड़े से पैसे, शायद मां के इलाज के लिए FD, जमीन, सारे खर्च हो गए. लेकिन उन्होंने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया. सर, मुझे और नैना की मां को हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है, फॉरएवर, ताकि जब कभी अगर कभी मुझे कुछ हो भी जाए तो. इसलिए हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कल की तैयारी हम आज से कर रहे हैं. एंड यू नो सर, आई वॉन्ट टू बी मोर लाइक माई फादर, मोर ऑफ अ गिवर रेदर देन अ सीकर, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, है ना?